धनबाद के भूली मोड़ के पास रेलवे द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ गुस्साए दुकानदारों ने फूंका धनबाद सांसद पीएन सिंह का पुतला। धनबाद में रेलवे द्वारा चलाए गए बुलडोजर के खिलाफ आक्रोशित दुकानदारों ने आज सांसद पशुपतिनाथ सिंह का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। दुकानदारों का कहना है कि सांसद को कहने के बावजूद भी अतिक्रमण की कार्रवाई को नहीं रोका गया। सांसद पीएन सिंह ने हम दुकानदारों को 15 दिनों का आश्वासन रेलवे से दिलवाया था, पर एकाएक रेलवे ने हमारे दुकानों को तोड़ दिया और हम लोगों ने अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। बार बार हम सभी ने रेलवे से कुछ दिनों का समय मांगा था, पर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई। हमने इस दौरान कई बार सांसद महोदय को फ़ोन भी किया, मगर सांसद महोदय ने एक बार भी हम लोगों का फ़ोन नहीं उठाया। वहीं आक्रोशित लोगों ने पीएन सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पहले आप हम लोग आश्वासन दिया कि हम 15 तारीख के बाद छूटेगा, आप लोगों को टाइम मिलेगा, 15 तारीख तक टाइम मिलेगा, आप 1 घंटे बाद आइए। 1 घंटे बाद हम लोग गए सर, वहाँ जाने के बाद पीएन सिंह मोबाइल से बात किए, बोले आप लोगों को टाइम मिल गया है, जाइए, 15 तारीख तक कुछ नहीं होगा, 16 तारीख के बाद अपना समझिएगा, आप लोग अपना सामान हटा लीजिए। हम लोग आए तो पीछे से बुलडोजर आ गया। जब पीएन सिंह के बस में नहीं था तो उनको साफ बोल देना चाहिए कि आप लोग जाइए अपना काम करिए, अपना सामान हटाइए, मेरे बस में नहीं है, हम उस लायक नहीं है जो आप लोग का मदद करें। आज क्या किए आज क्या किए आज उनका पुतला जला रहे हैं, आज उनके विरुद्ध हैं कि वो आदमी नेता सही नहीं है, हम लोग के लायक नहीं है, काम करने लायक नहीं है वो नेता, वो सिर्फ बैठ के मजा मारने लायक है, काम नहीं करने लायक है, गरीब के साथ नहीं है, वो लोग अमीर के साथ है, वो लोग पैसा का पुजारी है, गरीब का पुजारी नहीं है। कि हम लोग तोड़ फोड़ का मतलब अनाउंस किया गया शनिवार के दिन, संडे पड़ गया, जिसके चलते हम लोग मंडे को सुबह पीएन सिंह के यहाँ 8 बजे गए। उन्होंने आश्वासन दिया 15 तारीख के बाद तोड़फोड़ होगा, ये रुक जाएगा, मैं रुकवाऊंगा। फिर हम लोगों ने 11 बजे किया आश्वासन, वही मिला कि 15 तारीख के बाद तोड़फोड़ होगा, लेकिन आप लोग अपना अपना सामान हटा दें। हम लोग आए, उसके बीच तुरंत वो जो है आया, 2 बुलडोजर अधिकारी, पुलिस प्रशासन सारे लोग आए, मजिस्ट्रेट वगैरह, इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। हमने कहा पीएन सिंह के पास हम लोग गए थे 15 तारीख के बाद भी उनको मिली है समय, उसके बाद तोड़ा फोड़ा जाए, सर हम लोग को टाइम दे दिया जाए, हम लोग अपना अपना सामान निकाल लेंगे, भस्म कर देंगे, लेकिन बात नहीं मानी। तो सांसद के प्रति आज आपने पुतला जलाया है, विरोध जताया है, जी जी, क्या कुछ खास नाराजगी सर? सारा नुकसान का भरपाई उनके जिम्मेवारी पे, जितना हम लोग क्षति हुआ उन्हीं चलते हुआ। किनके चलते? पीएन सिंह के, नहीं तो आज सर हम लोग अपनी सामान निकाल देते, केवल दुकान टूटती, क्योंकि सर सारा सामान देखिए पूरा सारा नुकसान। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में, मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।